हेलो, आई एम अनुज मिश्र दादाजी, यानी मैं भी आपकी तरह एक पेरेंट्स हूँ। मैं समझ सकता हूँ, कल आपने भी जो वीडियो डाला गया था ग्रुप में, उसे अवश्य देखा होगा। इस वीडियो में जो प्रश्न है, उनका जवाब सिर्फ हमारे और हमारे पास है। हम रोज़ देख रहे हैं हमारे बच्चों के टीचर्स निरंतर बच्चों को श्रेष्ठ तकनीक द्वारा शिक्षण करा रहे हैं। वो शेड्यूल टाइम में और ओवर टाइम में बच्चों को बराबर बैकअप दे रहे हैं, बराबर ज्ञान दे रहे हैं, बराबर पढ़ा रहे हैं। शिक्षकों द्वारा दिया गया ज्ञान अनमोल है, उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका मूल्य कोई भी नहीं चुका सकता। और आभार और धन्यवाद जैसे शब्द भी इसके लिए तुच्छ हैं, बहुत अत्यल्प हैं। लेकिन ये भी सच है कि इस तरह की गतिविधियों के लिए धन की परम आवश्यकता होती है। बिना धन के जिस तरह से हमारे घर का संचालन नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह से स्कूल की गतिविधियों का, शाला की गतिविधियों का संचालन भी नहीं हो सकता। अतः ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम यथाशीघ्र इस समय केवल ट्यूशन फीस, पूरी फीस नहीं लेकिन केवल ट्यूशन फीस शाला में समय से दें, ताकि स्कूल की अर्थव्यवस्था थोड़ी मजबूत हो, बच्चों को जो है उनका सुखद भविष्य जो है सुदृढ़ हो, और शाला की जो गतिविधियाँ, शैक्षणिक गतिविधियाँ, वो निरंतर जारी रहें। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि स्कूल द्वारा आप हमको बार बार या एकाधिक बार सूचनाएं दी जाती रही हैं कि भाई फीस देना है, फीस जमा करना है, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल शालीनता से शांतिपूर्वक दें, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट की एक अपना काम है। वो अपने निर्देश अनुसार, अपने मैनेजमेंट के निर्देश अनुसार आपको संपर्क करते हैं, और हमारा भी कर्तव्य है कि हम ऐसे प्रश्नों के जवाब शालीनतापूर्वक दें। हम बताएं कि हम क्यों लेट हो रहे हैं, या हम आगे कब तक जमा करने वाले की स्थिति में हैं, ताकि हमारे संतोषजनक जवाब हमारे स्कूल के स्टाफ के लिए, हमारे के लिए एक संतोषजनक रहे। हमें हमेशा अपना व्यवहार सहयोगात्मक रखना चाहिए, ये बहुत परम आवश्यक है हमारे लिए। धन्यवाद, नमस्कार।